आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। सबसे पहले हमने करेले लेके इनको काट लिया, छील लिया, उसके बाद नमक लगा के रख दिया। नमक लगाने के बाद हमने धो लिया। अब ये आपके सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होंगे प्याज, उसके बाद हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, इमली का पेस्ट या पल्प जो भी, कलौंजी और अनारदाना। चलिए अब ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें अब करेले डाल के करेलों को फ्राई करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे कि क्या करना है। देखिए ये करेले फ्राई हो गए हैं, अब इसको मैं निकालती हूँ। गोल्डन फ्राई करने हैं हमने। ये देखिए हमने सारे करेले निकाल लिए हैं फ्राई करके। अब इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैं प्याज डाल रही हूँ उसी ऑयल में। प्याज थोड़े ज्यादा यूज होते हैं, आपको पता ही होगा इतना तो। ये देखें व्यूवर्स, ये प्याज मैंने आधा फ्राई कर लिया, अभी भी आधा फ्राई हो रहा है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज फ्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा क्वांटिटी में है ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको करेंगे ऐड। साथ में ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे। फिर मिक्स। इसको थोड़ा सा फ्राई करके अदरक लहसुन को और हरी मिर्चों को, फिर हम डालेंगे बाकी मसाले। अब हम डालेंगे बाकी सारे मसाले, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, कलौंजी, अनारदाना, फिर से मिक्स। इमली का पेस्ट, भून गया है हमारा। इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना आपने, मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, बस जो था इमली का पल्प था। अब इसमें हम करेले ऐड करेंगे, ये फ्राई करेले। अब करेले ऐड कर दिए, इसको 3-4 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे ढक के, तो समझे।
करेलों की सब्जी तैयार है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। टेस्टी। आप यकीन नहीं करोगे, करेले बहुत टेस्टी बने हैं, करेलों की सब्जी। आप ट्राई कीजिएगा, आप फिर मुझे बताइएगा करेले कैसे बने हैं। इट्स वेरी टेस्टी, सीरियसली। और इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ मर्जी खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चैनल को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।